थैंक यू सर। स्टूडियो में बाहर था। ऐसे चलता ना ऐसे ये चलिए उन्होंने बोला पहले तो आप सभी का स्वागत है हमारे रंग में रंगने के लिए। और मेरे कान इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, बता रहे हैं कि सृष्टि भाग गई है। नहीं यार, ऐसा हो नहीं सकता, हमें नहीं लगता कि ऐसा हो सकता बिल्कुल भी। अगर भाग गई तो आप ढूंढ कर लाइए हमारे लिए, आप जानते हैं कि हमारी शादी है, तो लाइए ढूंढ कर लाइए हमारे लिए। अब उनके बिना तो शादी हो नहीं सकती है, शादी आप भी जानते हैं। अगर शादी हो गई उनके बिना तो क्या हो रहा है ये हमें बताइए आप। जो आप बता रहे हैं कि सृष्टि भाग गई है, तो
शौक तो बहुत लग रहा है हमें, कृपया करके ढूंढ कर लाइए उन्हें हमारे लिए ताकि हम शादी कर पाएँ। नहीं ढूंढ कर ला पाएंगे तो हम शादी नहीं कर पाएंगे। अब हमारी शादी आपके हाथ में है। एज सच ऐसा कुछ नहीं था टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज मैं पहले भी यूपी बैकग्राउंड से दो शोज ऑलरेडी कर चुका था तो उसमें काफ़ी पॉलिशिंग हो चुकी थी। हाँ, लेकिन क्या होता है कि आप जो आप किरदार प्ले कर रहे हैं, अपना कैरेक्टर जो प्ले कर रहे हैं, उसको पॉलिश करने के लिए आप डेफिनेटली अपने डायरेक्टर के साथ बैठते हैं, अपने क्रिएटिव्स के साथ बैठने, समझने के लिए कि जो आप किरदार प्ले करने वाले वो क्या कैरेक्टर है, कैसे बात करता है, उसका बेसिक नेचर कैसा है। डेफिनेटली करम और ध्रुव एक जैसे नहीं है, करम अलग है, ध्रुव अलग है, उसका बात करने का तरीका अलग है, करम का बात करने का तरीका अलग है। तो बस उस चीज़ को समझने के लिए डेफिनेटली हम बैठते हैं अपने डायरेक्टर के साथ, अपने क्रिएटिव्स के साथ, अपनी पूरी टीम के साथ, जहाँ पर हम समझ पाते हैं एक दूसरे को। एंड यस, वो स्पेशल यू नो आपको ऐसे मसाले दिए जाते हैं, आपके अंदर घोले जाते हैं आप मसाले, ताकि आप इस किरदार को अच्छे से प्ले कर सकें। थैंक यू सो मच, आप सभी ने बहुत प्यार दिया हमें और हम उम्मीद करते हैं कि ये प्यार जो है बरकरार रहे हमेशा, और ये सब आपके आशीर्वाद से है। आज हम जहाँ पर हैं, आज यहाँ आपके सामने बैठे हैं, ये हम जो भी शेयर कर रहे हैं सब आप ही के प्यार से है। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। हम भी पूरी कोशिश करते हैं कि आप जो देख रहे हैं हम उसमें और आपके लिए उसको और एंटरटेनिंग कर सकें, उसको और प्यार भरा आपके लिए बना सकें। एंड हम कड़ी मेहनत करते रहेंगे आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग हमारा शो देख कर एंटरटेन होते रहें, मनोरंजन होता रहे आपका। बिल्कुल, बात बिल्कुल सही है आपकी कि बहुत कम होता है, ये बहुत कम होता है कि नया शो आता है और पहले ही हफ्ते वो क्लिक कर जाता है एंड लोग उस शो के बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं। एंड टच वुड, विद गॉड्स ग्रेस, ऊपर वाले के आशीर्वाद से ये शो काफ़ी यू नो उस हद तक पहुंचा है जहां पर लोग बात कर रहे हैं शो की, और बहुत सारा प्यार मिल रहा है हमें। और हम जब बैठते हैं अपने सीनियर्स के साथ बैठते हैं, अपने क्रिएटिव्स के साथ बैठते हैं, प्रोड्यूसर्स के साथ बैठते हैं या डायरेक्टर के साथ, तो हमें मालूम चलता है कि एग्जैक्टली हमारे शो के रिव्यूज़ क्या मिल रहे हैं। एंड इसमें डेफिनेटली क्रेडिट पूरी टीम को जाता है, चैनल से लेकर प्रोडक्शन तक को। रीज़न बीइंग बिकॉज यू नो इट्स ऑल अबाउट द प्लानिंग, कि आप क्या प्लान कर रहे हो अपनी स्टोरी को लेकर, अपने कंटेंट को लेकर। फिर उसके बाद प्रोड्यूसर्स का पूरा हक है इसमें, बिकॉज राइटर्स का पूरा हक है, डायरेक्टर का पूरा उसमें क्रेडिट है, सबके क्रेडिट्स हैं इसमें। बिकॉज आई थिंक सो कोई भी आप प्रोडक्ट बनाते हो आप अकेले नहीं बना सकते, इट्स अ टीम वर्क, चैनल से लेकर प्रोडक्शन से लेकर द एंटायर यूनिट ओवर हियर। इनफैक्ट हमारे स्पॉट मैन भी यहाँ पर, उनका भी पूरा हक है इसमें। नमस्कार, मेरा नाम करम राजपाल है एंड रिपब्लिक डे के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बड़ी टेंशन वाली बात हो गई है, क्योंकि हम लोग काफ़ी तैयारी से आए थे, बहुत अच्छा माहौल चल रहा था, लेकिन सडनली हुआ क्या है कि सृष्टि गायब हो गई है और हम सब लोग सोच रहे हैं कि गई कहाँ, क्योंकि अब शादी बहुत मुश्किल से होने वाली थी, अब कहीं ये शादी ना टूट जाए। तो सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और हम लोग दौड़ने भी लगे हुए हैं। आप लोग भी हमारी मदद कर सकते हैं, आप बताइए हमारी सृष्टि कहाँ चली गई है, किसके साथ चली गई है, क्या हुआ उसके साथ, प्लीज़ हमारी मदद करिए। और इसको देख, और जैसे ही आपको पता चले तो हमें ज़रूर इत्तला करिए। देखते रहिए रंग जाओ मेरे रंग में, मंडे टू सैटरडे 9:30 PM ओनली ऑन दंगल। जी, दंगल से एक्चुअली मेरा कुछ एक साल पुराना रिश्ता है, यानी मैंने शायद 2019 में इनके लिए पहले एक स्टोरी की थी क्राइम अलर्ट की, फिर लॉकडाउन लग गया था। लेकिन लॉकडाउन होने के बाद, ख़त्म होने के बाद, अगर मैंने किसी भी चैनल के लिए या किसी भी शोज़ के लिए सबसे ज़्यादा काम किया है वो दंगल है। दंगल के लिए शायद मैंने कुछ 6 या 7 क्राइम अलर्ट किए हैं पिछले 6 महीने के अंदर, और नवंबर मैंने लास्ट किया था, और दिसंबर में मेरे को दंगल ने रंग जाऊँ तेरे रंग में के लिए अपॉर्चुनिटी दी, और मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर मिला है मुझे। ईजी नहीं है, क्योंकि मैं मोस्टली क्राइम अलर्ट करता था, मोस्टली उसमें नेगेटिव ही प्ले करता था। ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छा लड़का है घर का, इसके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो टफ तो है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से पूरी, और आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा हो। मेहनत तो बस डेली बेसिस पे ही होती है, हर दिन एक नया सीन आता है, तो हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है, नया करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है। अभी हालांकि कैरेक्टर इतना ज़्यादा इस्टेब्लिश हुआ नहीं, लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगा और आप लोग देखेंगे मेरी मेहनत, मैं आप लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। मैं आप सब लोगों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, और आज सुबह मैंने न्यूज़ में देखा कि इंडिया गेट में जो पहले अमर जवान ज्योति जलती थी, अब उसकी जगह सुभाष चंद्र नेताजी उनका स्टैचू लगने वाला है, तो काफ़ी खुशी वाली बात है, और जय हिंद। अब देखिए, एक बाप के लिए अपनी बेटी का घर से गायब हो जाना, वो भी ऐन शादी के वक्त, ये इससे बड़ी
चिंता और व्यथा की बात नहीं हो सकती है, और आप खुद समझ सकते हैं। और हम तो बहुत ही परेशान हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है कि हमारी बेटी गई कहाँ अचानक। वो बेटी जिस पर हमें खुद से ज़्यादा भरोसा था और जिसे हम अपना इतना आज्ञाकारी और इतनी सुशील बेटी समझा करते थे, वो अचानक अकस्मात ही घर से गायब हो चुकी है। और शादी के दिन तो पूरी इज्जत जिसे कहते हैं घर की, हमारे घर की और लड़के वालों के घर की, दाव पे लगी हुई है। कि पहले परीक्षा के दिन भी यही हुआ कि बात बनते बनते बिगड़ गई, और अब फिर शादी होने के लास्ट मौके पे, एकदम लास्ट आखिरी कदम पे आने वाले हैं हम, और अचानक लड़की गायब है, तो अब क्या होगा इस शादी का, रिश्ते का, हमारी इज्जत का। तो ये बहुत बड़ा सवाल और बहुत बहुत ही चिंता का विषय। अब देखिए, ये शो जो है बहुत ही कमाल का शो है, जिसके अंदर कहानी इस तरह की लिखी गई है जो आज से पहले टेलीविज़न स्क्रीन पे मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कहानी या इस तरह का सब्जेक्ट कभी आया होगा। तो जाहिर सी बात है कि एक नया सब्जेक्ट है, और इसका ट्रीटमेंट भी बहुत ही, जिसे कहते हैं, इंटेंसिटी से किया जा रहा है। हमारे डायरेक्टर्स, हमारे क्रिएटिव्स जो हैं, बहुत इसमें स्क्रिप्ट लेवल पर काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। तो इस सब के चलते अगर ऑडियंस इसे पसंद कर रही है तो मुझे हैरानी नहीं लग रही है, और मुझे लगता है कि ये हमारे शो के लिए अच्छा है। और आगे जो एपिसोड्स आएंगे और जो कहानी बनेगी, उसे देख करके ऑडियंस की दिलचस्पी इसमें और ज़्यादा बढ़ेगी। तो मुझे उम्मीद है शो बहुत अच्छा और लंबा जाने वाला है। सभी दर्शकों को चैतन्य अदीब का नमस्कार। मैं सुरेंद्र चौबे, रंग जाऊं तेरे रंग में का आप सभी को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज के सीक्वेंस के बारे में, बहुत सारे सीक्वेंसेस शूट होने वाले हैं। एक्चुअली हम लोग ऑलमोस्ट एक हफ्ता हो चुका है नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं, ओवर टाइम काम कर रहे हैं, तो काफ़ी थके हुए हैं सब। लेकिन कहानी इतनी मज़ेदार है और यहाँ का क्रू इतना एनर्जेटिक है, सब बहुत सिंसियर है और अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है। भले ही थके हुए हैं लेकिन अपनी पूरी जान लगाकर हम लोग काम कर रहे हैं। तो बहुत हाई इंटेंस ड्रामा चल रहा है इस वक्त हमारे शो में, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है हमारी कहानी को लेकर अब तक। तो लोग अपने अपने अजम्पशंस कर रहे हैं, लोग गेस कर रहे हैं कि क्या होगा, क्या हो रहा है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, आप जो सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल कुछ भी नहीं होने वाला है आपके लिए, सस्पेंस वेट कर रहा है। सो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है हमारी। तो वही अभी ट्रैक में फ़िलहाल यही चल रहा है कि सृष्टि मिसिंग है, और धानी लिटरली, मतलब अकेली धानी ही है जो कहीं ना कहीं सोच रही है कि ऐसे क्यों करेगी दीदी, भाग के तो नहीं जा सकती, क्योंकि वो अपनी बहन को बचपन से देखती आई है, उसकी तरह बनना चाहती है, लेकिन कोई उसकी बात मान ही नहीं रहा है। तो और ऐसे में सब लोग इमोशनल ब्लैकमेल भी कर रहे हैं धानी को कि अब बहन ने जो गलतियां कर दी अब तुझे सुधारनी पड़ेगी। तो धानी एक बहुत ही इमोशनल और मुश्किल दौर से गुजर रही है, जबकि आपने अभी तक देखा होगा उसका कैरेक्टर बड़ा हंसी मजाक करने वाला, खुश मिजाज कैरेक्टर है, लेकिन अब उसकी ज़िंदगी में भी सब कुछ ऊपर नीचे हो चुका है। तो एक बहुत ही इंटेंस इमोशनल स्पेस में हमारी शो की कहानी चल रही है। और जैसे कि आपने कहा कि घर से भाग चुकी है, तो उस समय का सिचुएशन, लोगों के चेहरे का सिचुएशन कैसा था, कैसा समझाता और चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाए? एक तो जैसे हमने सृष्टि का कैरेक्टर दिखाया है कि वो जितनी, मतलब दिल की साफ है, दिल की साफ तो दोनों है धानी और सृष्टि, पर धानी मस्ती, धानी के नेचर में मस्ती भी है क्योंकि वो छोटी है उम्र में सृष्टि से और थोड़ी थोड़ी लाडली है। लेकिन सृष्टि बहुत ही सुलझी हुई, समझदार और एक तरह से कह सकते हैं कि प्योर है कम्प्लीटली। तो काफ़ी शॉकिंग रिएक्शन रहा सबका कि वो शादी के दिन गायब हो गई जब देखकर, क्योंकि ये उम्मीद तो किसी ने भी नहीं की थी सृष्टि से। और जैसा कि मैंने अभी अभी कहा, धानी तो अब तक नहीं मानती कि वो भाग गई है, उसे लगता है कि कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, और वो जेन्युइनली जानना चाहती है कि क्या हुआ होगा उसकी बहन के साथ। लेकिन बाकी सब लोग यही सोच रहे हैं कि वो भाग गई है, और शक इसीलिए हुआ क्योंकि हमने एक अनजान लड़के के साथ सृष्टि को देखा था, जबकि धानी का तो यही शक है कि शायद उसने कुछ गलत किया है दीदी के साथ, दीदी तो गलत नहीं कर सकती। लेकिन अब जो शादी के दिन अगर कोई गायब हो जाता है तो परिवार वाले अक्सर यही सोचते हैं कि लड़की भाग गई करके, तो थोड़ा यही इमोशनल फेज चल रहा है सबके
सब शॉक्ड है बेसिकली। दर्शकों में ये सीरियल रंग जाओ तेरे रंग में काफी फेमस हो गया है, चर्चा बढ़ती जा रही है, तो दर्शकों के लिए क्या कहना चाहिएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि नया शो है, 2-3 हफ्ते ही हुए हैं और इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है हमारे शो को लेकर। एक फैमिली बन जाती है वर्चुअल सी, और एक हम जो भी कर रहे हैं, हम अपने लिए तो खैर वो छोटी सी बात है, लेकिन जो भी कर रहे हैं अपने दर्शकों के लिए कर रहे हैं, और अगर उन्हें मज़ा आ रहा है तो हमारा ये नाइट शूट करना, जो भी करना, सब सफल हो जाता है। तो आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे अगर दर्शकों को हमारी कहानी पसंद आ रही है, अगर हम उन्हें एंटरटेन कर पा रहे हैं, तो इससे बड़ी बात और कुछ भी नहीं हो सकती है। आई एम रियली ग्रेटफुल और आई थिंक हम यही चाहेंगे। शादी है, मैंने नाम भी लिखवाया अपना धानी, और मतलब जैसे धानी है वो अपनी फिर ये वो हो गया है थोड़ा। शादी का माहौल है और धानी तो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी शादी को लेकर, क्योंकि बहन की शादी है आफ्टर ऑल, और सारे इंतज़ाम उसी ने किए थे, तो बहुत एक्साइटेड थी, पर चीज़ें गड़बड़ हो गई है, अब देखते हैं क्या होता है। धानी को कोई कदम उठाने लिया मतलब कोई अलाउ ही नहीं कर रहा है, धानी जो करना चाहती है उसके उसके पेरेंट्स, उसके काशी अंकल सब रोक रहे हैं। धानी का एक ही लुकआउट है कि अगर इस वक्त सृष्टि दीदी घर पे नहीं है तो ध्रुव का जानना ज़रूरी है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी का सवाल है, लेकिन सब उसे रोक रहे हैं सच बताने से, क्योंकि दोनों खानदान की इज्जत दांव पे लग जाएगी। तो उसी को चलते बड़े लोग मिलकर कुछ डिसीजंस ले रहे हैं, जिसके काफ़ी खिलाफ धानी भी है, लेकिन अब अगर अपने ही पेरेंट्स, मेरे ही मम्मी पापा मुझे ब्लैकमेल करेंगे इमोशनली कि हम जीना नहीं चाहते अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे ये वो, तो अब धानी के पास भी ऑप्शन नहीं रहता है ज़्यादा कुछ। तो दिल पे पत्थर रखते हुए वो शायद अपने पेरेंट्स की बात उसे माननी ही पड़ेगी, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और ये एक तरीके से धानी का कैरेक्टर हमने ऐसे ही चुलबुला और मजाक मस्ती वाला दिखाया था, लेकिन अब हम उसका ये साइड दिखाने वाले हैं कि अपने पेरेंट्स के लिए वो भी कुछ भी करने को तैयार है, अपनी ज़िंदगी भी मतलब वो अपने ज़िंदगी को भी छोड़ दे रही है, दाव पर लगा रही है, क्योंकि उसके भी अपने सपने थे, वो पढ़ाई कर रही है कॉलेज में, लेकिन सब कुछ साइड में रखते हुए वो अब शायद अपने पेरेंट्स की बात मानने वाली है। मैं इतना कहना चाहूँगी कि ये जो ट्विस्ट है वो आप सबको 440 का झटका वर्ल्ड की तरह से देने वाला है, बिकॉज इट्स अ बिगेस्ट ट्विस्ट। और इसका मैं इतना ही कहूँगी कि बहुत आसान होता है कि लोगों को जज करना, आप यू नेवर नो, सृष्टि या तो घर से भाग गई होगी या तो उसके साथ कुछ बुरा हुआ होगा। बहुत इजी होता है कि कोई, मैं मानती हूँ कि कोई इंसान बुरा नहीं होता, सिचुएशन बुरी होती है, फॉर दैट यू हैव टू वेट, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, देखो आगे क्या होने वाला है, बट आई एम वेरी श्योर कि ये जो हमारा ट्विस्ट है सबके तो होश उड़ने वाले हैं। तो आप देखते रहिए। मैं फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब दूंगी। मुझे एज सृष्टि निभाने में इतना टाइम नहीं लगा, क्योंकि मैं वैसी हूँ, थोड़ी सी शांत हूँ, थोड़ा सा मुझे कंट्रोल करना पड़ रहा स्टार्टिंग में, थोड़ा सा इनिशियली लग रहा था कि नहीं, थोड़ा सा आई हैव टू सेटल इट डाउन, लेकिन फिर डायरेक्टली होता गया वो स्टेप बाय स्टेप। और को एक्ट्रेस के साथ वर्किंग एक्सपीरियंस मेरा तो बहुत अच्छा रहा है, ये हम मैं तो मानती हूँ कि हमारा जो रिलेशन है सबके साथ वो बहुत फ्रेंडली एंड होमली है। हम जहाँ पे जब काम करने आते तो ऐसा लगता नहीं कि हम काम कर रहे हैं, तो हम खुशी खुशी काम करते हैं, तो पता नहीं चलता कि हमारे अगर एक्स्ट्रा आवर्स भी हो जाते हैं तो कि अरे पंद्रह घंटे हो गए काम के लिए, तो हमें ऐसे लगता ही नहीं है। हम एक दूसरे से सीखते, हंसाते, बहुत मस्ती करते हैं सेट पे। आज आप क्या सीन कर रहे हैं यहाँ पे? मेरा अभी जो सीन है मैं उसके बारे में नहीं बताना चाहती हूँ, बिकॉज फिर अगर मैं बताऊँगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा आप लोगों को देखने में। तो मैं बस इतना कहूँगी कि आप देखते रहिए रंग जाओ तेरे रंग में 9:30 मंडे से लेके संडे तक, सैटरडे तक। थैंक यू। रंग जाओ तेरे रंग में अपना रंग दिखा रहा है, एक्चुअली ये सीरियल अपना रंग दिखा रहा है। तो रंग जाओ तेरे रंग में अभी मेरी बेटी गायब हो गई है। अब एक माँ बाप के लिए ये सिचुएशन जो गुजरा होगा उस आई गेस उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि अब हमारे समझ में नहीं आ रहा है। एक तो संस्कारी परिवार है,
हम संस्कारों को बहुत बिलीव रखते हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे घर में अगर बेटी गायब हो जाए या बेटी भाग जाए तो एक माँ बाप का जो एक टेंशन होता है उसको कैसे संभालें। लड़के का नाम डेफिनेटली क्या होता है कि जहाँ लड़की की बात आती है वहाँ तो है ही है, पर उस लड़का जिससे शादी हो रही है उसकी भी जो हालत होती है, उसके परिवार की भी जो हालत होती है वो ख़राब होती है। तो बस अब ये है कि इस सिचुएशन को निकाल के हमें एक उसे अच्छे से वो करना है कि भाई कम से कम सिचुएशन ख़राब ना हो और हम दोनों परिवारों का नाम बच जाए। तो अब उसके लिए अभी जल्दोजहद चल रही है कि कैसे क्या किया जाए। आप को एक्टर्स जो आपके साथ काम कर रहे हैं, चैतन्य हैं, सुरेश बेरी हैं, मेघा हैं, तो इन सब के बारे में को एक्टर्स के बारे में क्या कहेंगे? सब, मैं टचवुड इतनी लकी हूँ कि सबके सब इतने अच्छे हैं, इतने कोऑपरेटिव हैं, क्योंकि सीन्स जिस तरह से अभी स्पेशली मेरे भी जो सीन्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा रोना धोना है, बहुत ज़्यादा चिल्लाना चीखना और यू नो पूरा एक वो बना हुआ है। लेकिन ऐसे में अगर आपका आसपास का माहौल जो है, आपके को एक्टर्स अगर उसे संभाल के रखते हैं ना, तो नहीं तो क्या होता है ऐसे सीन्स में ना हम कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं और वो दिन या रात हो हम उसे कंटिन्यू करते हैं, उस एक्सप्रेशन को कंटिन्यू करते हैं। बट हमारे एक्टर्स इतने अच्छे हैं कि वो हमें भी संभालते हैं साथ में, कि अगर हम रो रहे हैं या हम कुछ सिचुएशन में हैं तो उसे कैसे उसे संभाला जाए। और सुदेश जी तो खैर मैंने टचवुड उन लोगों के साथ पहले काम किया है, सो आई नो हिम वेरी वेल, उनके साथ काम करना इज़ लाइक बीइंग लकी। थैंक यू। रियल लाइफ में भी दोस्त हूँ और इस शो में भी दोस्त हूँ। ये शो में काम करके बड़ा अच्छा लग रहा है और पहली बार मैं एक फैमिली ड्रामा शो कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मैंने कल इसका पूरा एपिसोड देखा फैमिली के साथ तो, और मुझे सबसे बड़ी बात है कि दंगल का शो और इतना कम समय हुआ टेलीकास्ट होके, और पंजाब से लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि बहुत ज़बरदस्त शो है आपका और बहुत अच्छा जा रहा है और सभी कलाकार अच्छा काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और ये हमारे लिए खुशी की बात है कि एक ऐसा फ्लेवर आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं हम लोग शूटिंग पे नहीं आए, एक पारिवारिक रिश्ते में आए हैं सब मिलने के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है। और आहिस्ता आहिस्ता इसकी TRP बढ़ रही है, लोग पसंद कर रहे हैं, लोग हमें फ़ोन कर रहे हैं, और डायरेक्टर साहब का काम बहुत अच्छा है, कैमरामैन बहुत अच्छे हैं, जितने कलाकार हैं बहुत अच्छे हैं, दोनों हीरो हीरोइन दोनों बहुत अच्छा। और सबसे बड़ी बात है ऑल अबाउट मिस्टर सुदेश बेरी, वो तो कमाल है, उनको तो उनके बारे में क्या बोले, कमाल एक्टर है। उनके साथ सीन करो तो अपने अंदर भी एनर्जी आ जाती है, अपने अंदर भी ऐसा लगता है कि यार नहीं कुछ है, बहुत ज़बरदस्त है। और मैं आप सभी लोगों से, सभी फैमिली से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप देखिए सोमवार से शनिवार दंगल चैनल पर रंग जाऊँ तेरे रंग में, और मेरा उसमें करेक्टर मोहन का है, मोहन प्यारे का, जो मैं सुदेश जी का मित्र बनाऊँ। और आप सबसे मेरी प्रार्थना, आप खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, घर में रहो, सुरक्षित रहो।